तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखोगे बेसिकली, द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर आटम इज ए, बोर का एटम है तो सेकेंड जो है आर जो रेडियस 2 है तो उसमें ये है, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो रेडियस आर है, रेडियस इन थर्ड, तो इन जनरल रेडियस इन nth ऑर्बिट का फार्मूला आप रटे हो गए आई हो कि 0.529 और डिवाइडेड बाई जेड और एन का स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो रेडियस इन nth ऑर्बिट में आई होप कि ये फार्मूला सबको याद होगा। तो अगर ये फार्मूला सबको याद होगा तो रेडियस इन nth ऑर्बिट बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन है बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज रेडियस, हाँ तो यहाँ से जेड ये बाकी सारे कॉन्स्टेंट है, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर। ठीक है, तो वट एवर जो भी वो बोर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उन सभी के लिए ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी भाई, कॉन्स्टेंट होगी। तो यहाँ से तुम बात करोगे तो रेडियस ऑफ थर्ड जो आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ सेकेंड और डिवाइडेड बाई एन ऑफ थर्ड और एन ऑफ टू का होल का स्क्वायर, तो एन ऑफ थर्ड मतलब 3/2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई आर, 3/2 मतलब यहाँ से तुम देखोगे तो यह आ जाएगा 9/4 आर, 9/4 मतलब 2.5 आर, तो 2.5 आर तुम देखोगे तो 2.5 2.5 2.5 आ ना, तो यहाँ से देखोगे तो थर्ड ऑप्शन अपना सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है।